हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 5th सरफेस केमिस्ट्री, उसका ये लेक्चर 4th है। और आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉल्यूशन फेज में भी एडसॉर्प्शन की प्रोसेस कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, आप देखिएगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो सॉलिड होती है उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, अगर वो चाहें, या सॉलिड्स जो होते हैं बेसिकली वो सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, एड्सॉर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एड्सॉर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज जो है पॉसिबल है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूं। फॉर एग्जांपल, हम कई बार देखते हैं लेबोरेटरी में कि जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन जो होता है, अगर हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, चारकोल। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर हमने अगर चारकोल डाल दिया तो क्या होता है, जो चारकोल हमने जो इसके अंदर डाला है वो पाउडर्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल, पाउडर्ड फॉर्म में है चारकोल, किसके अंदर, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होता है, जो एसिड होते हैं, जो एसिड होता है वो चारकोल के ऊपर आकर जो है एड्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब्ड। और हम फिर क्या देखते हैं कि उस कंटेनर में एसिड की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो कम हो जाती है। अब देखिए, उस कंटेनर में एसिड, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर जो है एसिड की मात्रा कम हो रही है, तो आप ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एसिड है वो चारकोल के ऊपर आकर जो है कौन सी प्रोसेस कर रहा है, एड्सॉर्प्शन की। तो ये भी एक एग्जांपल है। मैं बात करूं एक अनदर एग्जांपल की, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल की। तो देखिए, जो सेकंड एग्जांपल है वो है कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, आपको पता है लिटमस सॉल्यूशन जो है कलर्ड होगा, कलरफुल होगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर भी चारकोल को डाल दें तो क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मतलब कि उसका कलर उड़ जाएगा, उस सॉल्यूशन का कलर उड़ जाएगा। अब ऐसा कैसे हुआ कि जो कलर था वो चारकोल ने एड्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, वो चारकोल ने एड्सॉर्ब कर लिया और सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हमें बताते हैं कि एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज इज पॉसिबल एंड सॉलिड जो है वो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको इन सारी चीजों के ऑब्जर्वेशन, इन सारी प्रोसेस में कुछ ऑब्जर्वेशन हुई और ऑब्जर्वेशन में चार पॉइंट पे हम बात करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि जो एड्सॉर्प्शन है, जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज के अंदर जो एड्सॉर्प्शन होता है हमने उसे पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे कि जो एड्सॉर्प्शन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो देखिए, मैं यहां पर पॉइंट्स लिख रही हूं। पहला पॉइंट जिस पे एड्सॉर्प्शन, या मैं बोलूं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, वो किस पे करता है, मैं बात करूंगी नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, वो एड्सॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है एड्सॉर्बेंट के नेचर पे, तो आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगी कि जैसे चारकोल है, ठीक है, एक जो चारकोल है वो है सॉलिड फॉर्म में, लाइक ऐसे, ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है, ऐसी भी शेप हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है गोल शेप में ही हो, क्योंकि चारकोल की एकदम परफेक्ट गोल शेप तो नहीं आएगी। मान लीजिए ये चारकोल है, ठीक है, अब एक तो चारकोल है इस फॉर्म में, इसको मैं लिख भी देती हूं, ठीक है, एक तो चारकोल इस फॉर्म में है और एक है चारकोल पाउडर्ड फॉर्म में, लाइक ऐसे, कि मैंने बना लिया बोला,
एक है ये पाउडर्ड फॉर्म में, अब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में कैसे डिपेंड करेगा एड्सॉर्प्शन, कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ एड्सॉर्ब यानी रेट ऑफ, मैं आपको बताती हूं यहां लिख देती हूं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, ये पॉइंट देखो आप नीचे वाला, कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि एक तो चारकोल है एकदम ये जो गुठलियां होती है उस फॉर्म में है और एक है पाउडर्ड फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है पाउडर्ड फॉर्म में जो है सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, और पाउडर्ड फॉर्म में अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इस ही सिचुएशन में यानी पाउडर्ड चारकोल जब अगर है तो जो हमारा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या है, ज्यादा है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है एड्सॉर्प्शन, या मैं बोलूं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि टेम्परेचर पे भी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है, लेट सी, इसको मैं मिटा देती हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर यानी ताप। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस, तो देखिए आपको पता है कि जो एड्सॉर्प्शन होता है, जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। हम पहले की क्लासेस में ऐसा पढ़ चुके हैं, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। जब भी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, हीट निकलती है। अकॉर्डिंग टू द ली कार्टियर्स प्रिंसिपल, उन्होंने कहा था कि जब भी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट जो है निकलती हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता हो, तो हमेशा उस सिचुएशन में जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, लो। हमें टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए, लो। तो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस हमेशा टेम्परेचर जो है अगर लो होगा तो इजीली हो जाएगी। मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं कि अगर एड्सॉर्प्शन की रेट हमें बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। एड्सॉर्प्शन इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, अब आप देखिए, हम देखते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में क्या हो रहा था वहां पर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एड्सॉर्बेंट होते हैं वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर चिपक जाते हैं, वो फिजिकली चिपकते हैं। ऐसे में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, समझ गए, मतलब कि वो वापिस से उतर जाएंगे उस सरफेस से, उस एड्सॉर्बेंट से। तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, डिजॉर्प्शन की। हमें डिजॉर्प्शन थोड़ी ना करवाना है, हमें क्या करवाना है, हमें करवाना है एड्सॉर्प्शन। तो इन शॉर्ट आप एक बात याद रखिएगा, अगर हमें एड्सॉर्प्शन से क्या करवाना है, डिजॉर्प्शन, तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। मैं आपको यहां पर लिखित में बताती हूं, अगर हमें क्या करना है, इधर देखिए, ये एड्सॉर्प्शन है और ये डिजॉर्प्शन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एड्सॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन। अगर हमें एड्सॉर्प्शन से प्रोसेस करना है डिजॉर्प्शन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें डिजॉर्प्शन से एड्सॉर्प्शन करवाना है तो हमें टेम्परेचर घटाना पड़ेगा।
तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एडसॉर्प्शन की प्रोसेस अगर हमें तेजी से करवानी है, ज्यादा करवानी है, रेट बढ़ानी है, तो टेम्परेचर को हमें कम रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि टेम्परेचर के अलावा किस पे डिपेंड करता है। देखिए टेम्परेचर के अलावा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि जो वो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। तो चलिए स्टडी करते हैं उसको भी। थर्ड वन है ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी है उस पर भी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है कि आपको पता है सॉलिड जो है, जो सॉलिड है या जो एड्सॉर्बेंट का सरफेस है वो तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को ही तो निकालेगा, सॉल्यूट को तो एड्सॉर्ब करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि सॉल्यूट का जो कंसेंट्रेशन है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा तो हमारा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस आराम से हो जाएगा। ठीक है, आराम से ज्यादा जो है हम सॉल्यूट को खींच पाएंगे, सॉलिड जो है या जो एड्सॉर्बेंट है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को खींच पाएगा। ठीक है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस कर पाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मैं आपको इधर ही बता देती हूँ। फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं यही बता रही हूँ, जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ऑन द प्रेशर। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, मैंने आपको आइसोथर्म जब हमने पढ़ा था फ्रेंड विच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसके अंदर बताया था कि अगर हमें गैस का एड्सॉर्प्शन बढ़ाना है, जल्दी करवाना है, तो हमें प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। मैंने प्रेशर का आपको शॉर्ट में सिर्फ इसलिए बताया है बिकॉज हमने इसकी लंबी स्टडी, तो डीप स्टडी है वो हमने करी है फ्रेंड विच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एड्सॉर्बेट पे भी डिपेंड करता है। किस पे? एड्सॉर्बेट पे। देखिए एड्सॉर्बेट पे एड्सॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है कि आपको पता है कि जो अपना सपोज करिए अगर एड्सॉर्बेट गैस है, क्या है? गैस है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिन भी गैसेस का लिक्विफिकेशन, मतलब जो भी गैस इजीली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है या फिर लिक्विफिकेशन जिसका ज्यादा होता है वो इजीली जो है एड्सॉर्ब हो जाती है, उनका प्रोसेस इजीली जो है एड्सॉर्प्शन का वो हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण मैंने आपको बोला कि एड्सॉर्बेट पे भी है डिपेंड करता है। यहां मैंने स्पेशली जो है गैस की बात करी है, एड्सॉर्बेट कैसा हो जब गैस हो। तो कुल मिला के इन सब चीजों पे हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्क करता है या डिपेंड करता है। तो चलिए ये सिर्फ इतना है, अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, लेकिन उससे पहले आपको तीन चार फॉर्मूले मैं आपको इसके अंदर लिखवाऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम दोबारा चलते हैं हमारे उसी टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक क्या था, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम या इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, अब हमने सारी इसकी ऑब्जर्वेशन पढ़ ली, हमने इसके क्या क्या एड्सॉर्प्शन किसकी चीजों पे डिपेंड करता है हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम जो है जो फ्रेंडविच की हमने आइसोथर्म पढ़ी थी, फ्रेंडविच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, हम उसे इसमें भी यूज कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले से हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको डिराइव। हमें पता है कि फ्रेंडविच जो आइसोथर्म है वो क्या था, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी की पावर वन अपॉन एन, ये हमारे पास आया था। करना क्या है, सिर्फ यहां प्रेशर की जगह हमें प्रेशर को हटाकर क्या लाना है, सी लाना है। अब ये सी क्या है, सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के सी की पावर वन अपॉन एन, ये हम जो है इसे एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज में ये
हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला निकल के आता है। अगर हम इसे लॉग की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, मैं ऊपर वाला मिटा देती हूं, कैसे लिखेंगे इसे लॉग की फॉर्म में, लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन अपॉन एन लॉग सी। इसे हम लॉगरिथम में लिख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना आया है, देखिए फ्रेंडविच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में और इस फॉर्मूले के अंदर कि प्रेशर की जगह हमने कंसंट्रेशन टर्म का यूज कर लिया है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक, अब देखिए इसका जब अगर हम ग्राफ बनाने चलेंगे ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा लॉग एक्स एम एक्स अपॉन एम और लॉग सी के बीच में जो ग्राफ बनेगा तो ये जो आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज का हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, हमने ऑब्जर्वेशन देख ली, तो अब हम पढ़ेंगे आगे और वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन, यानी एडसॉर्प्शन कहां कहां काम में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। इसके अंदर जो पहला हमारा एप्लीकेशन है एडसॉर्प्शन का वो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में क्या हो रहा है, ये है क्या। देखिए क्या होता है, सपोज करिए कोई कंटेनर है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। सपोज करिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने कर दिया बंद, इसके अंदर गैस भरी हुई थी, हमें क्या करना है इस कंटेनर में से इसे वैक्यूम बनाना है, यानी पूरी गैस को बाहर निकालना है। तो क्या किया हमने, कंटेनर को खोल दिया और गैस जो है निकल गई, गैस जो है निकल गई, कंटेनर को कर दिया बंद, ये गैस निकल गई। लेकिन क्या होता है, सारी की सारी गैस अभी भी नहीं निकली है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे चारकोल। क्या डाल देंगे? चारकोल। ठीक है, चारकोल डालते ही क्या होगा, ये जितनी भी गैस है वो इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एड्सॉर्ब्ड। और ऐसे में ये पूरा जो कंटेनर है वो कैसा हो जाएगा, बिना गैस का, यानी वैक्यूम। क्या क्रिएट हो जाएगा? हाई वैक्यूम। इसके बाद क्या करेंगे, इस कंटेनर को खोल के इस चारकोल को निकाल दिया और ये कंटेनर हमारा कैसा हो गया, हाई वैक्यूम वाला। तो एड्सॉर्प्शन जो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में भी हेल्पफुल है। अब मैं बात करती हूं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है गैस मास्क। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि गैस मास्क, यानी जब भी खदानों में मजदूर जाते हैं या मिस्त्री जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गैस मास्क जो है लगाकर रखते हैं। उसके जो आगे एक होता है वो चारकोल की प्रोसेस रहती है, उसके अंदर भी वो चारकोल इस तरीके से जो है उनके मास्क के अंदर फिट होता है, या इस तरीके से उनके मास्क के अंदर फिट सारी प्रोसेस होती है कि जितनी भी जहरीली गैसेस है ना वो एड्सॉर्ब हो जाती है उस चारकोल के ऊपर, या उस जो अपना फिल्ट्रेशन होता है उसके ऊपर। ऐसे करने से क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस जो है वो आराम से ले पाते हैं विदाउट एनी, मतलब जो भी हार्मफुल गैसेस है उनके। तो गैस मास्क में भी जो है एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जितनी भी जहरीली गैस है वो एड्सॉर्ब हो जाएंगी बाहर ही, फिल्टर हो जाएंगी, और सिर्फ ऑक्सीजन जो है या फिर जो सांस लेने योग्य गैसेस होती हैं वही जो है उसके अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी। तो गैस मास्क में भी इस तरीके से एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हेल्पफुल है। अपना थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए। जो ह्यूमिडिटी है उसको कम करने के लिए भी हम क्या यूज में लेते हैं, एड्सॉर्प्शन को। अब एड्सॉर्प्शन को कैसे यूज में लेते हैं, देखिए सिलिका जेल आपने सुना होगा, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, इस जेल को अगर हम एक कंटेनर में रख दें और चेक करें उसकी ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी जीरो होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, उसके अंदर गैसेस है, उसके अंदर नमी है, सारी नमी को कौन सोख लेगा, सिलिका जेल सोख क्या लेगा, एड्सॉर्ब्ड कर लेगा। राइट वर्ड इज एड्सॉर्प्शन। सिलिका जेल जो है एड्सॉर्ब्ड कर लेगा सारी नमी को, और वो ह्यूमिडिटी जो कैसी हो जाएगी, एकदम खत्म, ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से भी एड्सॉर्प्शन जो है काम में आता है। अब हमारा फोर्थ जो पॉइंट है,
कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर बहुत सारे कलरिंग मैटर होते हैं, तो क्या होता है, हमें जो सॉल्यूशन के अंदर सारे कलरिंग मैटर को हटाना है। कैसे हटाएंगे, जो एनिमल चारकोल होता है इसके अंदर काम में आता है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल जो है जितने भी कलरिंग मैटर होता है उन सबको एड्सॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूशन को क्या बना देता है, कलर लेस। तो ऐसे में एड्सॉर्प्शन हमारा इस पोजिशन पे भी काम में आ रहा है, इस सिचुएशन में भी काम में आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है उसे हम डीप स्टडी करेंगे बाद में, और वो पॉइंट है हिटरोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए इसमें भी जो है हिटरोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर भी जो है एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। कैसे होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं और जो इसके अंदर कैटलिस्ट होता है हिटरोजीनियस कैटलिस्ट, वो होता है सॉलिड। कैसा होता है, टाइप का सॉलिड। और जो इसके अंदर रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट क्या करते हैं कि कैटलिस्ट के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाती है। तो मैं आपको इसकी जो डीप स्टडी है वो हम बाद में करेंगे, आज मैंने आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताया है, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन का एक पार्ट हिटरोजीनियस कैटलिस्ट भी है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं तो बहुत सारी डिजीज को दूर करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस काम में आता है, यानी क्यूरिंग ऑफ डिजीज, ठीक है। डिजीज को दूर करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस काम में आता है, ठीक है। अगर मैं सेवन पॉइंट की बात करूं तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपने सुना होगा, झाग पलवन विधि जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये हमें आगे के लेक्चर्स में पढ़ना भी है। सिक्स चैप्टर जो है उसके अंदर ये आएगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो उसमें भी जो है एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस काम में आता है। तो ये सारी एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन की, तो मेन जो अपनी एप्लीकेशन है वो यही सारी है, ठीक है। तो आज जो है एड्सॉर्प्शन का हमारा लगभग पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। अब हमने जो कवर किया है वो किया है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, और उसके बाद हमने कवर किया है एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो आज हमारा एड्सॉर्प्शन का जो कुछ पार्ट है वो कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैटलिस्ट। तो चलिए यहां पर मैं इसे खत्म करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए।